Dawn. कुछ ऐसा ही है ना डॉन का जो अपकमिंग अनाउंसमेंट है। पर दोस्तों सबसे अच्छी बात, डॉन 3 के अनाउंसमेंट हो चुके हैं फाइनली, और उसकी डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू। तो गुरु लोग फाइनली डॉन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, और डॉन के अनाउंसमेंट के बाद भाई एक ही चीज तो समझ में तो आ रही है कि भाई डॉन इज नॉट अ डॉन, क्योंकि हमारा जो डॉन था वो सिर्फ SRK सर ही था। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, जो हाइप डॉन 1 डॉन 2 में क्रिएट करी गई है वो तो डॉन 3 में तो बिल्कुल क्रिएट हो नहीं सकती है। और एक्चुअली डॉन का 4th पार्ट होने वाला है, क्योंकि अपने जो असली डॉन थे वो सिर्फ अमिताभ बच्चन सर थे। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन 3 छपरी के हाथ में आ चुकी है। और डॉन 3 कितनी खराब होने वाली है ये तो भाई टीजर में पता लगेगा, टीजर कितना वर्स जाता है और टीजर में कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो उसी में बचा के पता लगता है। अब भाई मेनली हमने सबने राजा रानी के प्रेम कहानी में देखा ही है उसकी फनी एक्टिंग, और हमें इस बंदे की फनी एक्टिंग ही पसंद है। हाँ, हमने इसकी काफ़ी हिस्टोरिकल मूवीज भी देखी है जो कि सीरियस एक्टिंग वाली है, लेकिन क्या वो इस लेवल पे, मतलब एक फाइटिंग ब्रूटल लेवल पे तो जाने के लिए इंसान को अपनी एक सीरियस निकालनी पड़ती है। डॉन 3 के आपको कितनी एक्साइटमेंट है ये तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, बट हाँ आई एम नॉट एक्साइटेड एक्चुअली, बिकॉज एक्टर को देखने के बाद तो वैसे सी हो गई मूवी की। मैंने राजा रानी की प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं देखी क्योंकि मेरे को एक्चुअली इसकी एक्टिंग में भरोसा नहीं था, मैं घर पे बैठ के आराम से देखूंगा। और अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपडेट लाते रहेंगे दोस्तों।